نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هي العبادة أو كما قال صلى الله عليه وسلم अभी किस वक्त में दुआ का वक्त है जो इधर उधर मेरे अहबाब खड़े हैं अगर वो करीब आ जाएं और इस मजमे को मुनज्जम बना ले तो दुआ कर ली जाए कल दिन में आपके नशे छोड़नी है अब इसके बाद ज्यादा देर तक बातचीत करना या बातचीत का सिलसिला जारी रखना ये वक्त के तकाजे के खिलाफ होगा एक बात की तरफ तो जरूर तवज्जो दिला दो कि इस वक्त में हमारे जो हालात हैं हम मुसलमानों के खास तौर से देर के बाद ही सही मगर होश आना शुरू हुआ एहसास हुआ कि हमें तालीम की बहुत कमी है और वो कमी पूरी होनी चाहिए जहां तक इन उलमा की बात है मैं आपको 10 मिनट के अंदर अंदर समेट कर दुआ पे ले आऊंगा मैं आगे 10 मिनट से आगे इंशाल्लाह वक्त नहीं मिलेगा मौका भी नहीं है जहां तक हमारे इन मदारिस का उलमा का इन कुर्रा और हुफाज का ताल्लुक है तो अल्लाह का शुक्र है ये इस मैदान में कभी पीछे नहीं रहे ये कामयाब है कौम के गरीब बच्चों को या मुतवस्सित दर्जे के बच्चों को ये किसी भी तरह से तश्कील करके मदारिस में लाते हैं और किसी भी तरह से उनके अखराजात पूरा करके मांग कर चंदा करके किसी भी तरह से सही लेकिन कम से कम कुरान करीम की तालीम को ये बाकी रखे हुए हैं और हाफिज बना रहे हैं आलिम बना रहे हैं ये अपने मिशन में कभी नाकाम न हुए और ना इंशाअल्लाह अजीज होंगे एक आलिम अगर होता है तो चाहता है कि मैं दूसरों को आलिम बनाऊं हाफिज कारी बनता है चाहता है कि मैं कारी और हाफिज बनाऊं और ये इसमें कामयाब है कुछ भी करें ये मस्जिद में इमामत करें या मदरसों और मकतबों के अंदर पढ़ाएं या कहीं कोई इदारा कायम नहीं है कोशिश करके वहाँ इदारा कायम करा के और वहाँ पर मकतब की तालीम को जिंदा करते हैं और बच्चों के अंदर कम अज कम ये चीज पैदा करते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमारा ताल्लुक ईमान से है कुरान करीम पढ़ा देते हैं किसी को ना दरा जिसके मुकद्दर में है हिफ्ज कर लिया किसी के मुकद्दर में है आगे बढ़ा और वो आलिम बन गया तो अल्लाह का शुक्र है ये कामयाब है ये नाकाम नहीं है कोई ने कितना ही बुरा कहे गाली दे चाहे कोई इनको रसीद काट के अपना घर भरने वाला कहे चाहे कोई इनको ये कहे कि दाब इनके तो पेट बहुत बढ़ गए इनकी तो फर्जने बहुत बढ़ गई दोस्ताना सुनना गवारा है लेकिन कुरान को छोड़ना गवारा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें कामयाब है चंदा मांगने के लिए जाते हैं तो 100 तरह की बातें सुनते हैं साहब दुकान खोल ली जनाब दुकान बताते हैं मदरसों को तो ये भी सुनना गवारा है बुरा कुछ नहीं है हमने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा है आपको गालियां भी दी पत्थर भी फेंके तो आपने बुरा नहीं माना और हमेशा हाथ उठा करके कहा اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون मेरे परवरदिगार मेरी कौम को सही समझ दे दे ये मेरा मर्तबा पहचानते नहीं है जिस दिन ये मेरा मर्तबा पहचान लेंगे ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह का शुक्र है ये अहले मदारिस तो अपने मिशन में कामयाब है अभी देखिए आप 12-13 साल पहले यहाँ 3 कमरे थे 4 कमरे होंगे मुझे लगता है 3 या 4 ही कमरे थे छोटे छोटे से
और आज अल्लाह का शुक्र है एक दुर्वेश, मैं तो कारी जाफर को दुर्वेश कहता हूं, और इसमें कोई शुबा नहीं, अल्लाह ने इसके अंदर वो औसाफ रखे हैं जो दुर्वेशाना है। करीब से देखोगे तो आपको नजर आएगा, जब से इसका पैर यहां रखा गया है, अजीब और गरीब खजर अल्लाह ने इसको बनाया है कि जहां बैठा वहीं हरा भरा हो गया। तावन तो आप लोगों का है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कमेटी के अफराद बैठे हुए वहीं तक, और बड़ी मेहनत है और मशक्कत है, लेकिन कोई कोटा तो हो जिससे बंधे। अगर ये हट जाए मिसाल के तौर पर, कमेंट नहीं चला पाएगी मदरसे को जब तक एक मौतमी और एक जिम्मेदार ना हो। उसका तावन होता है, उसके जेर निगरानी सब अपना काम करते रहते हैं, और आज अल्लाह का शुक्र है एक इतनी बड़ी मस्जिद वजूद में आई, पीछे तामीर हो रही है, सामने खास शानदार खासी तामीर हो गई, बड़ा अजीब गरीब मंदिर, हर आने वाले का सर अजमत के सामने छुप जाता है। और खुड्डा के लोगों में आपको मुबारकबाद दूंगा, आप अपना वजूद नहीं पहचानते और आप अपने अजमत को नहीं पहचानते हो, ये पूछना है तो हमसे पूछो, हम मुल्क भर में घूमते हैं, इस मदरसे का मोतबर तरीन मदरसों में नाम लिया जाता है। बाकायदा यहां ख्वाहिश करके तलबा पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें मालूम है कि यहां से तालीम और तरबियत अच्छी मिलती है। अल्लाह का बड़ा करम है आपके ऊपर कि आपने मदरसे का साथ दिया, ताउन किया, तो ये आगे बढ़ा और इतनी दूर तक निकल गया, और अभी इसकी रफ्तार रुकी नहीं है। मेरा मौला इसकी रफ्तार कयामत तक कभी ना रुके। इतनी कम मुद्दत में, इतनी थोड़ी सी मुद्दत में इतनी ज्यादा तरक्की जो आपके खुड्डा के इस मदरसे ने की है, सिराजुल उलूम गालिबन इसका नाम है जी, सिराजुल उलूम, जितनी तरक्की इसने की है, मेरे गुमान में, मेरी मालूमात में, मेरी तहकीक में, मैंने नहीं देखा कि किसी ने इतने कम अरसे में इस कदर तरक्की की हो। अल्लाह ताला इसको नजरे बद से महफूज फरमाए। हम ये कह रहे थे कि इन मदरसे वालों को अपने मिशन में सारी दुनिया जानती है कि ये कामयाब है, और इनकी कामयाबी की एक बड़ी दलील ये है कि सारी दुनिया नहा धो के इनके पीछे पड़ी हुई रहती है हर वक्त में, ये इनकी कामयाबी की दलील है। ढेले उसी दरख्त पर मारे जाते हैं जो फलदार होता है, बेफल के ऊपर कोई ढेले नहीं मारता है। मुखालफत उन्हीं की होती है जो कामयाब होते हैं, ना कारे और ना काम की दुनिया में कोई मुखालफत नहीं करता। मदारिस के खिलाफ रातिल मिशन का बनना यह अंग्रेज की जरूरियत का काम है, आज से नहीं पहले ही से काम है। यहूदी सोच का रखने वालों का यह काम है, ईसाई सोच रखने वालों का यह काम है। हम जानते हैं तारीख के उन औराक को जिनमें यह दर्द है कि अंग्रेज ने गुरूर में आकर के कहा था, हुकूमत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, हुकूमत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, और फिर कुरान करीम के खिलाफ उसने बगावत की, उलमा के खिलाफ बगावत की। उलमा और कुरान तो यहां रह गया मगर वो भी नहीं रहा। मालूम हुआ कि ये मदारिस अपने मिशन में हमेशा से कामयाब हैं और इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे, क्यों ना हो। रब कहता है अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। अगर उलमा और इन मदारिस के रहने वाले इस मिशन में कामयाब ना हो तो तकमील दीन का जो दावा रब ने किया, फिर दूसरा दावा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही ज़िक्र यानी कुरान करीम को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। इन दावों में सदाकत नहीं रहेगी अगर ये उलमा अपने मिशन में नाकाम हो गए। जब रब ने कहा कि हमने कुरान उतारा, हम ही हिफाजत करने वाले हैं, तो फिर हिफाजत करने के लिए अल्लाह ने अनोखा सिस्टम बनाया कि हिफाजत के लिए अल्लाह ने हाफिज मुंतखब फरमाए, हाफिजों के सीनों में अल्लाह ने, उलमा के सीनों में अल्लाह ने कुरान करीम रख करके अपने दावे की तकमील फरमा दी। इसलिए ये मदरसे वाले अपने मिशन में कामयाब हैं, क्योंकि पीछे से अल्लाह ताला का वादा चूके
इबादत का है और कुरान मदरसों में महफूज कराया जाता है, इसलिए अहले मदारिस को फैल नहीं कहा जा सकता। अगर अहले मदारिस को फैल कह दिया गया तो कयामत का बिगल बच जाएगा। हमें शिकायत अहले मदारिस से हरगिज नहीं, हमें शिकायत उनसे है खुदा के लोगों कि आज दुनिया की आंखों में आंख डाल करके ये उलमा खूब बात करते हैं, लेकिन आपके पास वसाइल होने के बाद आप अपने बच्चों को कोई अपर तालीम जिसको समझते हो कि आप जो उनकी जबान हो ये सब कुछ आप खूब जानते, मेरे इशारे समझ रहे होंगे, आप सिर्फ बच्चों को स्कूल में वसाइल के बावजूद दसवीं कराई, बारहवीं किसी ने कराई तो कराई, और आपको सऊदी अरब कंट्रीज का रास्ता तो बहुत मालूम है, लेकिन तरक्कियाती तालीम हासिल करके और मुल्क के अंदर अपने कौम के मफाद में कदम उठाना आपको याद नहीं रहा है, आपसे ये शिकवा है। कोई बताएगा मौलवियों बताना दो सौ मरतबा दो गवारा है, ये हासिल होने के बाद हाफिज बनाने की फिक्र में है, आलिम बनाने की फिक्र में है, कारी बनाने की फिक्र में है और बनाते हैं, कौम को इमाम मदरसे के तलबा असातिज़ा देते हैं, कौम को मुअज्जिनीन फराहम करते हैं, कौम के लिए हर तरह के अफराद मुहैया करते हैं। मैं कौम के अमीरों से पूछना चाहूंगा, वकीलों से पूछना चाहूंगा, दानिश्वरों से पूछना चाहूंगा कि वकील साहब आपने वकील बनने के बाद मुजफ्फरनगर में बस्ता संभाला है, आपने कितने वकील तैयार किए हैं? डॉक्टर साई आपने क्लिनिक तो खोला है अपने पेट के लिए, लेकिन मुझे बताइए कि आपने कितने डॉक्टर तैयार किए हैं? दानिश्वर साहब आप बताइए कि आपने क्या किया है? अहले मदारिस ने तो आपको हाफिज दिए हैं, आपने कितने वकील और कितने डॉक्टर कौम को दिए हैं? आप जवाब देंगे इसका? नहीं जवाब नहीं दे सकोगे, नहीं जवाब दे सकोगे आप। और अगर जवाब है किसी के पास, मैं आपके सामने उंगलियां लिए बैठा हूं, मेरी उंगलियों पे गिनवाओ कि आप वैसे वकील बनने के बाद किसी ने किसी को वकील बनाया हो, और हम बताएंगे कि हाफिज बनने के बाद उसने 50 और 100 हाफिज तैयार कर लिए। आओ तो सही, मैदान अमल में उतरो तो सही, कितने अमीर है तुम में से और कितने मालदार हैं जिसने गरीबों के बच्चों को कहा हो और गरीब बाप को जाकर के उसने यूं कहा हो, आप बेफिक्र हो जाइए, हम आपके बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे। क्या गरीबों के बच्चों में दिमाग नहीं है? क्या गरीब का बच्चा जहीन नहीं होता? लेकिन अमीरों और मालदारों आपको बुरा ना लगे, आप मैं खुदा आपकी हदक नहीं कर रहा, मैं आपको एहसास दिलाने के लिए जुमले कह रहा हूं, कौन है जो इसका अज़्म करेगा कि इंशाअल्लाह हम गरीब के बच्चों को पढ़ा करके इंजीनियर बनाएंगे, वकील बनाएंगे और दानिश्वर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, कोई अधिकारी बनाएंगे? हम उसके पीछे हैं मुआवनत करने के लिए, है कोई? हम तुमसे ये नहीं कहते कि गरीबों के बच्चों को तुम हाफिज बनाओ, इसके लिए तो मौलवी साहब अपने आप काम कर लेंगे। गरीबों के बच्चों को मौलवी साहब मान कर किसी भी तरह से पढ़ा लेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे पूछता हूं, इस मजमे में है कोई जो गरीब के लिए ये कहे कि उसको फीस देने के लिए पैसे नहीं? और मैं एक अपने जिम्मे लेता हूं कि एक गरीब के बच्चे को इंशाल्लाह मैं हाई क्लास की तालीम दिलाऊंगा। नहीं कह सकोगे, नहीं कह सकोगे। तो मेरे भाई कौम की फिक्र करो, कौम की फिक्र करो, जो जिस तबके का है उसी तरह से फिक्र करे, अपने एतबार से फिक्र करे, कौम को आगे बढ़ाने की फिक्र करो। चंद सालों के अंदर इंशाअल्लाह अगर हमारे अंदर तालीम हुई तो तालीम की बदौलत अल्लाह ताला हमें बुलंदी अता फरमाएगा और इन बुलंदियों में हमारा अपना किरदार होगा। अमीरों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इंशाअल्लाह इस बात के ऊपर सर जोड़ करके, खासतौर से खुद्दा के लोगों, मुझे आपसे उम्मीद है, एक दर्जन साल से मैं यहाँ आता हूँ, मुझे उम्मीद है आपसे कि मेरे इस पैगाम को आप दूसरों तक भी पहुँचाओगे और इंशाअल्लाह इसके ऊपर खुद भी अमल करोगे। गरीबों का सहारा लगाएंगे कि नहीं भाई? गरीबों के बच्चों को आगे बढ़ाओ, ये गरीब खा मखा गिल्ली डंडा नहीं करेंगे,
ये खा मखा इधर से उधर नहीं फिरेंगे, आप इन्हें आगे बढ़ाओ। आपको अल्लाह ने अगर वसाइल दिए हैं तो वसाइल का इस्तेमाल करो कौम के लिए, यही हमारे पैगंबर की सुन्नत है। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, वो कहते हैं हमारा तो अजर अल्लाह के पास है, हम तो वहां ले लेंगे। आपके ऊपर सिर्फ दिल से मेहनत करते हैं, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, इसको लगा के आगे बढ़ाए। आज सारी दुनिया के अंदर हिजाब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, हिजाब का लफ्ज देख करके मुसलमान की तरफ मंसूब किया गया। सुनना, तवज्जो रहे, और अजीज तलबा आप भी ध्यान में रखे टॉपिक, हिजाब का लफ्ज एक मुसलमान की तरफ मंसूब करके इसे फितने का सबब बना दिया गया। डिबेट इस पर हुई टीवियों पर, चैनलों पर, और इस तरह से बहुत हाईलाइट किया गया हिजाब बुर्का। हम आपसे पूछते हैं ये हिजाब मुरव्वजा, ये बुर्का मुरव्वजा, ये तो सिर्फ टेलर मास्टरों की देन है, वरना शरीयत ने पर्दा कहा है पर्दा। ये हिजाब और ये आज का बुर्का, इसके कोई माना नहीं शरीयत की निगाहों में। शरीयत कहती है पर्दा, और पर्दा मुसलमानों में भी है और गैर मुस्लिमों में भी है। बात समझ में नहीं आई, शायद अजनबी लगी होगी मेरी बात। भाई बुर्का भी पर्दा है, हिजाब भी पर्दा है, लेकिन ये लफ्ज़ पर्दा ये आम है, और हिजाब और बुर्का खास है। आप खास लफ्ज इस्तेमाल ना करें जो खास मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आप पर्दा इस्तेमाल करें जो सबके लिए इस्तेमाल होता है। चाहे उसमें अपने सिर पे गंदगी उठाने वाले इस तरह की औरतें ही क्यों ना हो, वो भी जब आपके सामने गुजरती है तो अपने चेहरे के ऊपर पर्दा कर लेती है। इसका मतलब यह हुआ कि पर्दा लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, बुर्का बुर्का लफ्ज इस्तेमाल करना छोड़ दो। इसमें लोगों को फितना अंगेजी का मौका मिल रहा है। और हिजाब हिजाब की बात होती कि नहीं होती, और पर्दा तो सब करते हैं, पर्दा तो सब करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तानी तहजीब के अंदर ये चीज है कि आज भी पर्दा है, लेकिन बुर्का सब नहीं, बुर्का सिर्फ मुसलमानों के साथ खास है। इसलिए भाइयों ये छह बातें आप तक पहुंचाई है, इनके ऊपर गौर करें। मैं मुद्दा मेरा पहला था कि अपने बच्चों को हाई क्लास तालीम दिलाने की कोशिश करें, दीनदारी की तरफ लाने की कोशिश करें, कुरान करीम की तालीम दिलाएं और आगे बढ़ाएं। और ऐसा नहीं, अल्लाह ताला ने रोजी का वादा तो सब जगह किया है, ये दौड़ ना लगाओ कि साहब अगर हमारे बच्चे सो दिया ना गए फला का तो चला गया तो काम नहीं चलेगा। ओ भाई कई साल रहता है वो, फिर वापस लौट के ही आता है, और जाहिलों में जहालत में इजाफा हो जाता है, ये गलत हो गया ना। आप पढ़ाते पढ़ाते आगे बढ़िए, जिसके पास वसाइल है वो रुके ना, आगे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। जब तक आपके पास हाई क्लास तालीम नहीं होगी, आप मुल्क में अपनी कौम के हुकूक को नहीं ले सकते हो, नहीं हासिल कर सकते हो। ये खामखा की बातें हैं। तालीम के ऊपर तवज्जो दिलाइए, और मुसलमानों की कमियां नहीं, इस तरह के हमें कॉलेजों के इदारे खोलने चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि मैं ये बात कुर्दे में कह रहा हूँ और यहाँ, इस तरह के लोग खोल सकते हैं। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह रब्बीन। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक व रहमत फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करो जल्दी खत्म हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। या हय्यु या क़य्यूम बि रहमतिका नस्तगीस। يا الله يا رحمن يا رحيم ربي اغفر وارحم انت خير الراحمين الى العالمين بيشك مجرم ہیں اے اللہ ہم گنہگار ہیں خطاوار ہیں سیاکار ہیں اے اللہ تیرے نافرمان بندے ہیں مولا کریم خطاؤں سے در گزر فرما سیاکاریوں پر پردہ پوشی فرما اے اللہ بے سمجھ میں دین کی سمجھ عطا فرما بے سہارا ہے غیب سے مدد مولا کریم اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما مولا کریم مدارس پر رحم فرما مکاتب پر رحم فرما مساجد پر رحم فرما اے اللہ سلطانوں کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما مرکز اور دیگر اداروں کی حفاظت فرما ندوے کی حفاظت فرما اس سے ملحق اداروں کی حفاظت فرما مولا کریم اس مدرسے کی بھی حفاظت فرما اے اللہ یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں میں خلوص پیدا فرما اے اللہ اس وقت میں ایک نشست ہوئی ہے مولا کریم جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ دلوں کے اندر جاگوزی فرما مولا
करीम, बहुत से लोगों ने इस वक्त इस मदरसे की मदद की है, अल्लाह उनकी मदद को कबूल फरमा, आमीन। उन्हें अपनी शाया निशान अजर अता फरमा, आमीन। अल्लाह बीमारों को सेहत और शिफा अता फरमा, आमीन। जो मकरूद है उनके कर्जों की अदायगी के असबाब पैदा फरमा, अल्लाह जो बेसहारा है गैब से मदद फरमा, मौलाए करीम जो बेरोजगार है उन्हें जायज और हलाल पाक रोजी अता फरमा, अल्लाह जो नाजायज जेलों में पड़े हैं उनको बरी फरमा, अल्लाह इस्लाम का सरबुलंद फरमा, अल्लाह इस्लाम का सरबुलंद फरमा, अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमा, अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जो मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जिन मुल्कों में झगड़ा चल रहा है अल्लाह उनमें इंसाफ सुलह पैदा फरमा, अल्लाह जुल्म से हिफाजत फरमा, अल्लाह मजलूम की मदद फरमा, अल्लाह जालिम से नाबूद फरमा, वलाए करीम तुझसे बड़ी कोई ताकत नहीं, अल्लाह सब ताकतों पे तेरी ताकत है, मौलाए करीम जो जुल्म करने वाले हैं अल्लाह उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचा, अल्लाह मजलूमों की मदद फरमा, मौलाए करीम हम सब की मदद फरमा, नुसरत और इआनत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, मुल्क के अंदर हुक्मरानों की अल्लाह इंसाफ की तौफीक अता फरमा, अल्लाह मुल्क में अमन और अमान कायम फरमा, अल्लाह हिंदू मुस्लिम प्यार और मोहब्बत पैदा फरमा, नफरतों से हिफाजत फरमा, मौलाए करीम ये जो इलेक्शन हुए हैं अल्लाह इनका नतीजा अल्लाह उन लोगों के हक में जाहिर फरमा जो मुल्क के लिए मुफीद हैं, अल्लाह जो लोग गैर मुफीद हैं उनसे मुल्क की हिफाजत फरमा, अल्लाह मुल्क की बार को अच्छे और बेहतर लोगों को अता फरमा, अल्लाह अमन अमान कायम फरमा, अल्लाह हमने जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया हमारे लिए मुफीद है वो भी अता फरमा, मौलाए करीम बहुत सारे अपने घरों को छोड़ करके अल्लाह तेरे दीन की तलब के लिए निकले हुए हैं, मुख्तलिफ मदारिस का रुख किया हुआ है, अल्लाह जो लोग जमातों में निकले हुए या जो दूसरे एतबार से दीन के लिए निकले हुए हैं उन सबको कबूल फरमा, मौलाए करीम जो खुसूस मदारिस के तलबा की हिफाजत फरमा, अल्लाह ये अपने घरों को छोड़ करके अल्लाह करीब अकारीब से दूर होकर बगैर किसी लालच के सिर्फ तेरे दीन की के हुसूल के लिए निकले हैं, ऐ अल्लाह इनका कोई और मकसद नहीं है, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह इनके दिलों के अंदर इल्म को महफूज फरमा, इनकी ज़बानों के ऊपर उसको जारी फरमा, उम्मत हाफ़िज़ा अता फरमा, उम्मत गोयाई अता फरमा, अल्लाह इज़हार हाफ़िज़ ज़मीर पर कुदरत अता फरमा, अल्लाह करीम अल्लाह इस्तेदाद में इज़ाफ़ा फरमा, किताबों को समझने और समझाने का मलका पैदा फरमा, अल्लाह फ़ुरूज़ को अदा करने की सलाहियत दामना अता फरमा, अल्लाह हमारे बच्चों के मुकम्मल हिफाजत फरमा, पूरी दुनिया की निगाहें मेरे मौला इन पर उठी रहती हैं, अल्लाह कोई इन्हें कुछ कहता है ना मुख्तलिफ तरह के गंदे अल्फाज़ से इन्हें नवाजते हैं, मेरे परवरदिगार ये तो तेरे नबी के मेहमान हैं, अल्लाह मखसूस लोग हैं मखसूस तबका है, अल्लाह इनके दिलों में तेरे ही तो उमंग पैदा की है, अल्लाह ये इल्म को हासिल करने के लिए अपनी सब चीज़ों को छोड़ के निकले हैं, मौलाए करीम अगर आप इनकी हिफाजत नहीं फरमाएंगे तो कौन करेगा, मेरे परवरदिगार इनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह हर तरह के शरीरों के शर से और फितनों के फितने से इस तबके को महफूज फरमा, ये मेरे मौला अगर यही बदजन होकर के बैठ गए अल्लाह एक तरफ हो गए मजलूम होकर के अल्लाह हिम्मत हार गए तो मेरे मौला कुरान करीम की तालीम आगे बढ़ने से रुक जाएगी, मेरे परवरदिगार इन पर रहम फरमा, मदरसों को अल्लाह दीन दुनिया चौकी तरक्की अता फरमा, अल्लाह दीन के लिए इनको महफूज फरमा, अल्लाह जो इनकी मदद करने वाले हैं उनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह हर तरह से उनके कारोबार में बरकत पैदा फरमा, अल्लाह कुरान करीम को हमारे दिनों में महफूज फरमा, आगे रमजान मुबारक आ रहा है, मौलाए करीम बहुत से बच्चे कुरान करीम सुनाएंगे, बहुत से लोग सुनेंगे, ए मेरे मौला जो सुनाने वाले हैं उनके हौसले बुलंदी पैदा फरमा और उनके दिलों के अंदर कुरान करीम को खूब महफूज फरमा, और सुनने वालों में भी हौसला पैदा फरमा, और तरावी को अल्लाह तरावी की हैसियत से इबादत के एतबार से ही सही सही अदा करने की तौफीक अता फरमा, हमारे आने वाली इबादत को कबूल फरमा, हमारे नस्लों की हिफाजत फरमा, हमारी दुआओं को मैं अपने फजल करम से कबूल फरमा, सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आल